दोस्तों आज का विषय है कि जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। इस नाड़ी के विषय में आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चले कि यह जागृत है और या यह अपने आप किस समय जागृत होती है। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके ये अपने चैनल सर्वो सनातन पर। दोस्तों यही नाड़ी सुखमन नाड़ी है, यही है जो आपको इस धरती लोक से जोड़ती है और यही नाड़ी है जो आपको स्वप्न लोक से जोड़ती है और यही आपको आध्यात्मिक जगत और सूक्ष्म लोकों के साथ भी जोड़ती है। इस नाड़ी का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे लिए और एक मनुष्य को इस नाड़ी के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि इस नाड़ी के साथ साथ और दो प्रमुख नाड़ियां हैं जो हैं इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे इन दोनों नाड़ियों के बारे में, फिर भी हम यहाँ शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि आपकी नासिका के बाईं तरफ इड़ा नाड़ी जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। आप इन्हीं से श्वास लेते हैं और श्वास लेता कौन है? आपकी आत्मा। जब आपकी आंखें खुली होती हैं और आप इस दृश्य जगत में होते हैं, अपने हर एक कार्य कर रहे होते हैं, तब आपकी आत्मा हृदय चक्र में आ जाती है और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वही आत्मा आपके आज्ञा चक्र में आ जाती है। ऐसे ही जब आप सूक्ष्म लोकों में जाते हैं, माने जब हम लोग स्वप्न में होते हैं, देखिए आप किसी सोते हुए इंसान को ध्यान से देखिए, उसकी गर्दन में बिल्कुल बाईं तरफ एक बहुत छोटी सी नाड़ी होगी जो हृदय की तरह धड़क रही होगी। वो अकेली होगी वहां बस और ये बाल से भी पतली होती है। इसी नाड़ी के माध्यम से आप स्वप्न लोक में प्रवेश होते हो। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और ये नाड़ी गर्दन के पास दिखाई दे रही है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति स्वप्न लोक में चला गया है। अगर उस इंसान की आंखें खुली हैं, वो इस दृश्य जगत को देख रहा है तो वो जागृत अवस्था में है और अगर वो ध्यान की स्थिति में चला जाता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही ध्यान में जा सकता है। तो ये जो दोनों नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला नाड़ी, इन दोनों के एक साथ चलने से सुषुम्ना नाड़ी अपने आप एक्टिव हो जाती है, नहीं तो वो सुप्त अवस्था में ही होती है। इड़ा और पिंगला बारी बारी से चलती हैं, कभी इड़ा नाड़ी चलती है तो कभी पिंगला नाड़ी चलती है और जब ये दोनों ध्यान में बैठे बैठे एक हो जाती हैं, दोनों श्वासें पलट कर एक बन जाती हैं, तब समझ जाइए कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो चुकी है। साधको इड़ा नाड़ी नासिका के बाईं तरफ से चलती है, वो मूलाधार से जाकर शुरू होती है और ऊपर की ओर उठती है। ऐसे ही पिंगला दाएं तरफ मूलाधार से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। जब ये दोनों नाड़ियां मूलाधार के नीचे तक पहुंचती हैं तब सूक्ष्म नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो जाती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सुखमन नाड़ी सक्रिय होने लगती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी आपकी सक्रिय होने लगती है, जागृत होने लगती है। जब आप श्वास भरते हैं यानी श्वास लेते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा जागृत होती है और वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे वो सातों चक्रों को पार करते करते ऊपर तक पहुंचती है तो आपके सारे चक्र एक एक करके सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म नाड़ी के चलने का एक विशेष समय बताया गया है। अनुभव बताता है कि अगर आप उस समय ध्यान करते हैं तो ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है और यह समय कुल मिलाकर 4 पहर में होता है। सुबह 11:45 से 12:15 तक और ऐसे ही रात में भी रात के 11:45 से 12:15 तक। तो ये दोनों समय सुबह और आखिरी को लागू होते हैं। अब बिल्कुल सुबह का समय क्या है?
सुबह का समय है 5:45 से 6:15 तक का। इस बीच आपकी सुखमन नाड़ी सक्रिय रहती है। दोस्तों वैसे ही शाम का समय 5:45 से लगभग 6:15 तक इन चारों पहर में सुषुम्ना नाड़ी स्वयं चलती है। अब अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी समय होता है तब आप ध्यान में बैठ जाएं, आपका तुरंत ध्यान लग जाएगा, आप तुरंत ही ध्यान में प्रवेश ले पाएंगे। यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो आपके चक्र जागृत होते हैं और इसे ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है? देखिए, जब आपकी दोनों नाक से सांस बराबर मात्रा में आ जा रहा हो, यानी दोनों में कोई भी रुकावट ना हो, तो जान जाइए यह सक्रिय हो चुकी है। दूसरा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी गुफा में, काले रंग की गुफा में प्रवेश ले रहे हैं। आपके हाथ पैर शरीर सब शांत होगा, मन एकाग्र होगा, आप उस गहरी गुफा में प्रवेश करते जा रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। तीसरा, आपको हमेशा आध्यात्मिक चीजों में रुचि होने लगेगी। ध्यान लगाना, भक्ति के गाने सुनना, भक्ति की चीजें देखना, मन शांत होने लगेगा, सांसारिक चिंताओं में स्वतः ही कमी महसूस होने लगेगी। और चौथा, आपको यूनिवर्स दिखने लगेगा, माने यूनिवर्स में जो भी रहस्य हैं उनका आपको अपने आप ही पता लगने लगेगा, कई डिवाइन चीजें आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और पांचवा, आपके मूलाधार चक्र पर बहुत जोर पड़ेगा शुरू शुरू में, और जब यह सक्रिय होता है तो सबसे पहले ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र के नीचे आपको खुजली, वाइब्रेशन इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाएगा। छठा है, आपका ध्यान हमेशा अपनी सांसों पर होगा, आपकी श्वास की गति धीमी हो जाएगी और वो आपको महसूस भी होगी। जब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस आपके पेट तक चलेगी, माने नाभि तक चलेगी। आज का मानव इतना ज्यादा व्यस्त रहने लगा है कि उसकी सांस की दशा आधी रह गई है, जिसके कारण उसकी सांस नाभि से पहले ही वापस हो जाती है। सातवां है, जब किसी की भी सुषुम्ना नाड़ी जागती है तब उन्हें कुंडलिनी के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, माने सातों चक्रों का एहसास होने लगता है, जैसे चक्रों का रंग कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, स्वतः ही ध्यान में दिखने लगता है। अब उस साधक के भीतर कई अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वो दूसरे के दिमाग को आसानी से पढ़ सकता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे साधकों को बीमारियां भी नहीं होती, और अगर पहले से कोई बीमारी है या होने वाली है तो वो रुक जाती है। आठवां, उसकी ब्रह्म मुहूर्त में आंखें अपने आप खुलने लगती हैं। दोस्तों सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर उसके रीढ़ की हड्डी में जैसे चींटी चल रही हो उसे महसूस होता है। उसे अपने सातों चक्रों में से किसी भी चक्र पर अचानक से खुजली या जैसे किसी चींटी ने एकदम से काटा हो महसूस होता है। और कुछ साधकों को तो करंट, झटके टाइप भी महसूस होते हैं। इनसे अलग भी भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न संकेत मिलते हैं या अनुभव प्राप्त होते हैं। आप अपने अनुभव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।